मॉर्निंग एंड आज है डे 27 और सुबह सुबह मैंने अपनी वॉक कंप्लीट कर ली है। मेरा स्टेप्स हो चुका है 4000 से ऊपर। A few moments later. And इसके बाद मुझे करना है थोड़ा सा वर्कआउट हैंड्स का। और इसके लिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले लूँगी अपना ये जीगा वाटर एंड सम एलमंड्स। तो ये लेके अपना वर्कआउट हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आप सुबह सुबह वॉक करते हैं या नहीं? सुबह की वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और आपको नेचर में जाके या आपका छत हो या फिर खुला रोड हो तो वहाँ आप जाके वॉक कर सकते हैं। समझ गया बाबूजी। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो वॉक करने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड लग रहा है कि बारिश थोड़ी देर में हो जाएगी तो थोड़ी गर्मी से भी हमें राहत मिलने वाली है। क्या बात है। तो अच्छा वेदर हो, सबसे पहले दिमाग में यही आता है सुबह सुबह उठ के कि अच्छा आज वर्कआउट करने में काफ़ी अच्छा फील होगा। तो एक्सरसाइज भी करनी है। ऐसे वॉकिंग तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, आज 4000 सुबह सुबह हो गई है। फिर भी मैं हाफ एन आवर का वर्कआउट करने वाली हूँ। मीनवाइल गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, क्लास भी है। ऑनलाइन क्लास है ना, उठ जाओ, रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, उठ जाओ, आँख खोलो। नहीं। बेड को अरेंज करते हुए सुबह सुबह जल्दी से हम लोग बेड अरेंज करेंगे। और आज का जो वर्कआउट होगा वो बेड पे ही होने वाला है। उधर भी पूरा कचरा पड़ा हुआ है जिसे हम लोग अरेंज करने वाले हैं वर्कआउट के बाद। एंड जल्दी से अब तैयार हो जाए क्योंकि इस रूम में एसी है तो वर्कआउट करने में आसान होता है। आसान है। तो हम लोग आज यहीं पे वर्कआउट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1, go! रुको जरा। ये वर्कआउट के साथ साथ ये वाटर इंटेक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अगर आप वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है एंड मसल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। क्या बात है सर। सो प्रॉपरली अपने को हाइड्रेट करें फिर वर्कआउट करें। एंड पोस्ट वर्कआउट भी वाटर इंटेक करना इम्पॉर्टेंट होता है आधे घंटे के बाद वर्कआउट के। एंड होल डे आपको अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप पानी पिए तो बैठ के पानी पीना चाहिए। आज हम लोग करेंगे हैंड्स एंड अपर बॉडी की एक्सरसाइज। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसका वार्म अप कर लेना। समझ गया बाबूजी। मतलब अपने हैंड्स और अपर बॉडी को वार्म अप करना थोड़ा सा। इसके अलावा हम थोड़े से लेग्स के भी वर्कआउट करेंगे बट ज़्यादा फोकस रहेगा हमारे अपर बॉडी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये शोल्डर रोल्स हम लोग कर लेंगे। देन रिस्ट का भी काफ़ी यूज होने वाला है तो हम लोग रिस्ट की भी मूवमेंट थोड़ी सी कर लेंगे। ये अभी हम लोग करेंगे 10 times clockwise and 10 times anti-clockwise. Then I will do criss-cross. ये वाली मूवमेंट हमें करनी है 20 times. अब अपने हैंड्स को ऐसे रोल करेंगे ऐसे। इसे भी हमें anti-clockwise और clockwise दोनों करना है। 10 repetitions करने हैं इसके। लेग स्विंग मैं कर लेती हूँ। ये भी मैं करूँगी 10 times लेफ्ट में एंड 10 times राइट वाले पैर में। थोड़ी सी फॉरवर्ड बेंडिंग भी हम लोग कर लेंगे क्योंकि लेटने के बाद हमारी बॉडी अकड़ जाती है तो ये बेंडिंग से थोड़ी हमारी सी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करने में ये ज़्यादा आसान रहेगा और हम किसी भी इंजरी को प्रिवेंट कर पाएंगे। आप बैठ के भी बेड पे या योगा मैट पे फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। वार्म अप कम्प्लीट हो चुका है 5 minutes में एंड अब टाइम है प्रॉपर वर्कआउट का। तो इसके लिए मैंने लिया है डंबल्स और ये डंबल जो है 1 kg डंबल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप इसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये 1 kg डंबल ही मैंने क्यों लिया है क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं ना, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हेवी वाला स्टार्ट करते हैं, इससे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप
पहले लाइट वेट से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वाटर के बॉटल ले सकते हैं, दो इक्वल वॉल्यूम इक्वल वेट के, तो उससे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे डंबल से, तो करना, तो डंबल से अभी हम वर्कआउट करेंगे। और जब भी आपको वर्कआउट करना है तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करनी है, एंड आपको स्लो जाना है, बहुत फास्ट नहीं जाना है। तो फ्यूचर में मैं ट्राई करूँगी कि इसकी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊँ। अभी तो इस ब्लॉग में बहुत लंबा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि मैं डिटेल में बता पाऊँ। लेकिन जब भी आप ट्राई करें तो एक तो है एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, और दूसरी बात है कि ग्रेजुअली अपने वेट को, अपने एक्सरसाइज को इंक्रीज करें। क्या बात है, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका वेट जो है हमें लाइट से स्टार्ट करना है। और मसल बनती है तो धीरे धीरे बनती है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। सो हमें ग्रेजुअली और कंसिस्टेंट तरीके से अपने पे वर्क करना है। चलिए शुरू करते हैं। वर्कआउट इज ओवर, अब समय है कूल डाउन का। तो कूल डाउन के लिए हम अपने हैंड्स के मसल को रिलैक्स करेंगे ऐसे 30 सेकेंड्स लेफ्ट हैंड एंड 30 सेकेंड्स राइट हैंड में। देन अपने हैंड्स के मसल को भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके और होल्ड करेंगे 15 सेकेंड्स। और हमारा अपर बॉडी का वर्कआउट था आज, तो अपर बॉडी को भी हम लोग रिलैक्स करेंगे इन दिस वे। इस पोजीशन को भी हम लोग 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने वाले हैं। इन दिस वे हमें प्रॉपर तीनों स्टेजेस कंप्लीट करने हैं, प्री वर्कआउट, स्नैक्स के बाद वार्म अप एंड प्रॉपर वर्कआउट एंड कूल डाउन फेजेस। इस तरह से हमारा कंप्लीट जो है वर्कआउट कंप्लीट होता है। लोग क्या करते हैं गलती, सीधा वर्कआउट में जंप करते हैं, इसीलिए उन्हें मसल पेन, मसल इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले आपको कैसे वर्कआउट करना है ये प्रॉपर गाइडेंस में ही करना है। एंड हो सकता है कि सम एक्सरसाइज सम बॉडी के लिए नहीं होते हैं, तो ये भी आपको गाइडेंस प्रॉपर ट्रेनर से ही मिलती है। तो बिना सोचे समझे आपको ये मतलब कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको कुछ नॉलेज उसकी होनी चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वर्कआउट, एंड अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद बात लेंगे, एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। साक्षी इज़ रेडी फॉर हर ऑनलाइन क्लासेस, एंड अब साक्षी अपना ब्रेकफास्ट करेगी। साक्षी ब्रेकफास्ट में क्या है बताओ। अबे जल्दी बोल। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट कर गई है साक्षी। एंड चंदन इज डूइंग हिज वर्कआउट। नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। और ब्रेकफास्ट में हम लोग बनाएंगे आज ये मुसेली। ये मुसेली क्या है मैं बता देती हूँ, ये है मल्टी ग्रेन मुसेली। इसमें ओट्स मिले हैं और बहुत सारे होल ग्रेन मिले हैं। समझ गया, समझ गया। ओट्स भी कौन वाला है ये देख लीजिए, कम हियर। Hey, I'll come look at this. ओट्स है, ओल्ड ओट्स है, ये ज़्यादा अच्छा होता है प्रोसेस्ड ओट्स से। और इसमें बहुत सारे ग्रेन्स हैं एंड इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्या सीन है। ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया गया है जिसे हम लोग वेट लॉस में नहीं ले सकते हैं, इवन डायबिटीज वाले पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस मुसेली में मैंने डाला है कर्ड एंड बहुत सारे कुछ वेजिटेबल्स हैं एंड कुछ फ्रूट्स हैं एंड सम रेजिंस। शाबाश। और इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो करना।
एंड ये हमारा मुसेली कर्ड्स विथ बहुत सारे वेजीज हैं, इसमें फ्रूट्स हैं और सम ग्रेजीन से रिलेटेड है। और ये जो हमारा डाइट होगा ये हाई इन फाइबर है, इसमें प्रोटीन भी है, एंड जैसा कि ओट्स में भी कुछ प्रोटीन होता है एंड कर्ड में तो प्रोटीन होता ही है, तो ये एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसमें अपने मनपसंद के अदर फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप वन स्लाइस ऑफ मैंगो ऐड कर सकते हैं, आप कुछ अनार के दाने ऐड कर सकते हैं एंड एनी अदर फ्रूट और वेजेज जो आपको पसंद है भी उसमें डाल सकते हैं, वो आप आसानी से डाल सकते हैं। ये जो आम है वो आया है मेरी फ्रेंड के यहाँ से, उसने साक्षी और चंदन को देखा लगते हुए आम के लिए, वो तो ऐसे ही लगते ही रहते हैं, सिर्फ आम के लिए नहीं हर चीज़ के लिए रहते हैं, चाहे घर में कितना भी हो वो छीन छीन के ही खाते हैं। तो एनीवे बट ये आम आया है मेरी फ्रेंड के यहाँ से और वेरी वेरी थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। एंड ये आम इससे भी ज़्यादा था, पूरा भरा था और बहुत सारे पके आम हम लोगों ने खाए भी हैं। एक आम मैंने कल लिया था, साक्षी ने भी खाया, चंदन ने भी और पापा ने भी खाया है, तो काफ़ी टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने पेड़ का आम है, मतलब कि इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है, मतलब प्योर ऑर्गेनिक है। एंड जब पेड़ पर पका आम होता है उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही, समझ रहे हो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा, डिलीशियस, टेस्टी, जो भी कहें कम ही है, तो वैसा टेस्ट होता है उसका। और बहुत सारे मैंगो जो है इसमें राइप हैं एंड सम आर अनराइप हैं, तो ये भी 2-3 दिन में पक जाएंगे, तो हम लोग इसे धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, एक दिन में ख़त्म नहीं करने की ज़रूरत है, तो टेंशन ना लें। समझ गया बापू जी। और साक्षी कौन सा आम अच्छा लगा आपको? ये वाला क्यों नहीं लगा? ये दोनों तो अच्छा है, इसमें ये जरा सा जो मेरे हाथ पे गिर रहा था। तो आपको खाने का तरीका नहीं मालूम है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ चंदन चलिए आम खाना स्टार्ट करते हैं, आज मॉर्निंग स्नैक्स में हम लोग आम ही ले लेते हैं। ओह नो, यही नहीं अभी और सुनिए। मजा आया फिर से आ गए रे बाबा। लंच टाइम हो चुका है, किट्टू सो गई थी और इसे हम लोगों ने उठाया है खाने के लिए, तो ये उठ के आई है, अभी आधे नींद में ही है, तो देख लेते हैं कि आज लंच में क्या है। ये क्या है? लंच में हमारे पास है राइस 150 ग्राम, सैलेड, कुंदरी की भुजिया एंड भिंडी का भुजिया और दाल, तो ये हमारा आज का लंच है। और इधर चंदन का प्लेट है, थोड़ा सा दाल स्पिल हो गया है खाने में, एंड साक्षी हम ही लोग में खा लेगी, भैया में खाती है साक्षी, तो भैया में खा लेगी एंड काफ़ी भूख लगी है तो स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या दिक्कत है आपको बताइए, क्या दिक्कत? कब से लाइट नहीं आ रहा है? लाइट तो हम एसी में रहते थे एकदम 24 आवर एसी में रहते थे हम, पर अब पंखा भी नहीं, नहीं। तो अब क्या ही हो गया, ये सब बोल रहे थे, क्या क्या निकाल गए थे? ये टिकटॉक की आवाज है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टिकटॉक की कुछ आवाजें निकाल गई है, लगता है ये पागल हो गया है। हम
को एसी में नहीं करते थे, पहले तो लाइन कटते थे तो कम से कम पंखा चलता था, वो ठीक था, चलो ठीक है और लाइन थोड़े के लिए कटता था। यहाँ पर सुबह से लेंगे शाम तक लाइन कटा हुआ है, ऊपर से पंखा भी नहीं। सुबह से लेकर शाम। सो फ्रेंड्स, लाइट की बहुत दिक्कत है, लेकिन मैंने हम लोग ने आप लोग के लिए बस वाईफाई को बचा के रखा है। अरे कहना क्या चाहते हो? इन्वर्टर से वो चल गया है और ये अपलोड होने में बस 48 मिनट बचा हुआ है। हम लोग ने पंखा वंखा कुछ नहीं चलाया है, बस वाईफाई ऑन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये अपलोड जल्दी हो जाएगा ये वीडियो। थैंक यू। मीनवाइल दोस्त, आप देख सकते हैं लाइट आ चुका है, साक्षी डांस कर रही है, अब भी मजा आएगा ना। A few moments later. चला गया। Music. रुको जरा, सबर करो। तो हमारे पास अब डिलीवर हो गया है हमारा हेल्दी फूड। देखते हैं इसमें क्या है, इसको पहले जल्दी से ओपन करते हैं। ऐसे मुझे तो पता है कि क्या है इसमें क्योंकि मैंने ही ऑर्डर किया है। कैसा लगा मेरा मजाक? बट मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाना, क्योंकि जब हम लोग हेल्दी ऑर्डर करते हैं तभी हम लोग हेल्दी खाते हैं। क्या बात है। ये जो मैं ओट्स लेती हूँ डेली, वो मैंने ऑर्डर किया है कि बस जरा सा बचा हुआ था, बस एक स्मूदी में यूज होता, उसके बाद वो ख़त्म होने वाला था। तो ये हमारा है हेल्दी ओट्स, और ये वाला जो ओट्स है वो रोल्ड ओट्स है, मतलब ये लेस प्रोसेस्ड ओट्स है। तो जो हम लोग मसाला ओट्स लेते हैं वो इतना हेल्दी नहीं है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके जगह पे हमें गोल्ड ओट्स लेना चाहिए। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इट्स कैजुनेट, गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट एंड डाइटरी फाइबर, इट्स अ हेल्दी स्नैक ऑप्शन। तो इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है, एंड मैं इसे हमेशा मंगा लेती हूँ जो भी मेरे हेल्दी स्नैक्स ख़त्म होते हैं, जैसे टाइम पे मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, ताकि मेरी जो हेल्दी रेसिपी हो और हेल्दी फूड हो उसमें कोई दिक्कतें ना आए। तो सबसे पहले ये तो बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और, क्या 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 क्या, मुझे इनकी पैकिंग अच्छी लगती है क्योंकि इसमें देखिए ये सब कुछ इको फ्रेंडली इन्होंने यूज़ किया है और इन्वायरमेंट सेफ है। इसमें थर्मोकोल प्लास्टिक का यूज़ बहुत ही कम किया गया है, इट्स वेरी गुड। इंजॉय करते हैं अपना फ्रेश फ्रेश कैजू नट्स। आपने हैंड वॉश किया? मैं हैंड वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं इंजॉय करने वाली हूँ ये कैजू एज ए इवनिंग स्नैक। वाह क्या सीन है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। इसका अच्छा है। ये फंस गया सी है। दोनों का अच्छा है। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रैक्टिस कर लीजिए, आया काम आएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया तो कमेंट्स में बताएं। Thank you.
पे मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है क्योंकि अभी अभी ही बारिश हुई है, तो गर्मी इतनी गर्मी थी कि हम लोग को लाइट भी चला गया था। अभी अभी राहत मिली है क्योंकि अभी अभी बारिश ख़त्म हुई है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और स्काई भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसलिए हम लोग छत पे थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं साक्षी भी काफ़ी इंजॉय कर रही है अपने फ्रेंड के साथ। चलो साक्षी अब फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं एक प्यारी सी बिल्ली भी यहाँ पे है छत पे और वो भी इस ठंडे मौसम का आनंद ले रही है। अच्छा, ये आपकी बात नहीं सुनने वाली है, ये बिल्ली है। अभी खाने में कितना टाइम लगेगा हम लोग को? 15 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे रोटी बन चुकी है और ये क्या है? ये केला है जिसको मैंने नमक और हल्दी डाला है, इसको सैलड फ्राई करेंगे। ओ, और हम लोग बनाने वाले हैं भिंडी की भुजिया, राइट? तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है 8:30 लगभग और डिनर का टाइम है, तो मम्मा ने डिनर में लिया है 2 चपाती और यहाँ पे है भिंडी का भुजिया जो कि बहुत कम ही ऑयल में बनाया गया है, और साथ में ये है हाई प्रोटीन चटनी जिसका रेसिपी आपको जल्दी मिल जाएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। और ये जो हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं, सलाद। तो ये बन जाता है हम लोग का हेल्दी डिनर ऑप्शन फॉर वेट लॉस। फ्रेंड्स साक्षी को भी बहुत भूख लग गई है, और साक्षी खाना कैसा लग रहा है आपको, स्पेशली ये चटनी कैसी है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, चटनी की वजह से खाना एकदम स्पेशल हो गया। नाउ इट्स बेड टाइम और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और अपनी डाइट मैंने अच्छे से फॉलो की है एंड सवेरे मैंने लिया था मुसेली। क्या बात है, प्यारी समझ गई। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप जल्दी में कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं। एंड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंने लिया था एक मैंगो, तो अभी मैंगो का सीजन है तो आप एक मैंगो ले सकते हैं, और मैंगो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मीडियम साइज का था, तो इसलिए वो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको बाकी डाइट का भी ध्यान रखना है। एंड इवनिंग में मैंने थोड़ा सा काजू नट लिया था एंड ग्रीन टी, और लंच डिनर आप देख ही चुके हैं, और लास्ट में अभी मेरे पास है मिल्क। तो मिल्क एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, इसमें बहुत सारे विटामिंस मिनरल्स होते हैं, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। पर 100 ml मिल्क में अराउंड 65 किलो कैलोरी होती है होल मिल्क में, और 3.5 grams ऑफ प्रोटीन होते हैं, तो अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है हमें। लेकिन जब आप सेमी स्कीम्ड मिल्क लेते हैं तो उसमें आपको 47 कैलोरी मिलती है पर 100 ml, और फुल्ली स्कीम्ड कर दिया गया, मतलब उसमें से हम लोगों ने सारी जो फैट है उसका तो वो निकाल दिया, तो उसमें लगभग 35 कैलोरी पर 100 ml होती है। तो ये जो मिल्क है ये सेमी स्कीम्ड में आएगा क्योंकि मैंने इस ऊपर से मलाई हटा दी है और मैंने दूध लिया है, यानी कि पर 100 ml 47 कैलोरीज है। तो ये 100 ml से थोड़ा ज़्यादा है, ये होगा 150 ml होगा, तो इसमें आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं है। तो आपको अगर सोते समय कुछ क्रेविंग्स हो रही है या भूख लग जा रही है, कुछ खाने का मन हो गया है, तो ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, ये रिच इन प्रोटीन है, आपको इसको पीने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, अच्छी नींद आती है एंड इट्स वेरी गुड। बट कभी कभी लोग मिल्क अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल मिल्क में बहुत सारे मिलावट आ गई हैं, तो इसके लिए अगर आपको अच्छे सोर्स से मिल्क मिल जाता है तो मिल्क इज़ वेरी गुड फूड, इसे आपको लेना चाहिए। हम लोग जो मिल्क मंगवाते हैं वो गाय का है, हमारे बगल में लोग गाय पालते हैं, हम लोग वहाँ से लाते हैं और वो सामने में देते हैं, मतलब ये 100% ऑर्गेनिक है। शाबाश, इंजॉय करते हैं अपना मिल्क। साक्षी तुम्हें भी पीना है मिल्क? ओके, तो हम लोग अपना मिल्क इंजॉय करते हैं और उसके बाद हम लोग सोने चले जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, रखिए अपना ख्याल एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड गुड नाइट। अरे साक्षी अब सोने का टाइम है, गुड नाइट, सो जाइए। कट कट कट।